चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। बड़ी खबर सिवान से, जहां पोखरा में डूबने से एक 13 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव की है, जहां संजय कुमार राम का 13 वर्षीय पुत्र करण कुमार शौच करने के लिए पोखरा के पास गया था, तभी पोखरा में डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एमएच नगर हसनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। हसनपुरा एमएच नगर थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव में शौच करने गए 13 वर्षीय युवक करण कुमार की पोखरा में डूबने से मौत हो गई। लड़का था जो गया था तालाब में नहाने के लिए, नहाने के क्रम में मतलब वो डूब गया। इसका उम्र कितना होगा? उम्र यही 12-13 साल के करीब है। लड़का क्या नाम है? लड़का को तो खेसारी लोग बोलते हैं, लेकिन नाम करण कुमार राम। जी, करण कुमार। उम्र कितना होगा इसका? उम्र यही 13-14 मतलब करीब होगा। तो पोखरा किसका है? वो पोखरा मतलब चमनी का गढ़ा कटा हुआ है, अब किसके नाम से वो अलग चीज है, लेकिन वहाँ गढ़ा कटा हुआ है माटी के लिए, ईंटा पाथने के लिए। कब की घटना है? अभी मैंने 3:30 करीब। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं इसको मुआवजा दिया जाए सरकार, मतलब जो भी है उसको, जो आपदा विभाग से जो मिलता है उसको दिया जाए। घटना घटा इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये घटना जो बच्चे की मौत हुई है करण कुमार का, वो लड़का संजय राम का लड़का है, वो उधर चिमनी के साइड में चौर में एक तालाब है, बहुत गड्ढा उसमें है, बहुत पानी है, उसमें लड़का गया था और उसमें डूब के मर गया। जी, हमारे पास शेखर सर फोन किए, तब हम अंदर थे और बताए कि ऐसा घटना हो गया है मुखिया जी, तो हम घटनास्थल पे आए और जो कबीर अंत्येष्टि का जो पैसा होता है 3,000 रुपया, वो मैंने दे दिया है। 20,000 रुपया जो पारिवारिक लाभ योजना का होता है वो भी मैं दिलवाऊँगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मैंने बी डी ओ सर से बात किया और सी ओ सर से भी बात किया, वो जो 4,00,000 रुपया आपदा से मिलता है वो मैं दिलवाऊंगा उस परिवार में। आपका नाम? मनोरंजन सागर, मुखिया ग्राम पंचायत राजगोपीपति।